आज मैं आपके लिए ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ही यूज़फुल है। तो अगर एक भी टिप अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरा पहला टिप ये है कि कभी कभी ना चूड़ियाँ हमें छोटी होने लगती हैं, या तो हाथों में स्वेलिंग की वजह से, या फिर हमारे हेल्थ जो है ना वो बढ़ जाता है, इसके वजह से चूड़ियाँ हमारे हाथों में आती नहीं है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा घरेलू उपाय ये है कि हमारे पास ना कहीं घर में तो ये ग्लव्स पड़े ही रहते हैं। कोई भी घर में अगर कलर यूज़ करता हो, हेयर कलर, तो ये ग्लव्स उस कलर वाले बॉक्स में आसानी से मिल जाएंगे। बस इन्हें हाथों में पहन लीजिए और बस बारी बारी से चूड़ियाँ हमें हाथों में डालना है और बहुत ही आसानी से चूड़ियाँ हाथों में आ जाएंगी। बहुत ही अच्छा टिप है ये, इसे आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ग्लव्स अगर आपके पास नहीं भी हो तो भी आप इसे इस हाथों में पॉलीथीन लगा करके और यही टिप को फॉलो कर सकते हो और बड़ी ही आसानी से चूड़ियाँ नीचे भी उतर आएंगी। तो है ना मज़ेदार टिप। टिप नंबर सेकंड भी इसी से रिलेटेड है। अक्सर क्या होता है ना कि हम काम करते हैं तो हमारे हाथों में जो चूड़ियाँ होती हैं ना उसमें गंदगी लग जाती है, जैसे आटा मिलाते वक्त आटा लग जाती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक मोटा सा रबड़ बैंड लेंगे, इस बैंड को हम हाथों में पहन लेंगे और सारी चूड़ियों को ऊपर करने के बाद बैंड को भी हम ऊपर कर देंगे। अब क्या होगा कि हमारी चूड़ियाँ है ना सेफ़ रहेंगी, चूड़ियाँ गंदी नहीं होंगी और काम भी आसानी से हो जाएगा। टिप नंबर थ्री ये है कि अक्सर क्या होता है कि हम दुकान से चीनी लेकर आते हैं और उसे रख देते हैं, उसे हम डब्बे में डालना भूल जाते हैं। तो मैंने भी यही गलती किया था और फिर चींटियों की बहुत सारी यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। फिर मैंने इसमें डाल दिया लौंग, 4-5 लौंग मैंने इसमें डाला और बस चींटियाँ गायब हो गई। टिप नंबर फोर ये है कि अक्सर क्या होता है ना कि डब्बे का ढक्कन ना लूज़ हो जाते हैं, वो अच्छे से लगते नहीं हैं, तो सामान हमारे ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है ना कि न्यूज़पेपर लिया, ढक्कन पे हम इसे सेट कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। सेट करने के बाद डब्बे का ढक्कन हम लगा देंगे, अब इसमें कोई भी नमी नहीं आएगी और ढक्कन भी टाइट एकदम बंद रहेगा। अब जो एक्सेस जो दिख रहा है बाहर से, इसे आप इसी शेप में कट कर लें, बस जो भी अंदर है वो बहुत ही सेफ रहेगा। टिप नंबर फाइव ये कि अक्सर क्या होता है ना कि हमारे गैस पे चींटियाँ कभी कभी घूमने लगती हैं, कोई भी मतलब कीड़े मकोड़े कभी कभी आ जाते हैं। तो नाइसिल पाउडर में ऐसे एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जिससे जो चींटियाँ हैं वो इसमें आस पास भेज के नहीं भटकेंगी। और कभी कभी ना गैस बहुत स्टिकी हो जाता है, तो उस स्टिकीनेस को हटाने के लिए भी हम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। पाउडर डालकर एक ऐसी रफ कपड़ा से हम पहले से साफ़ कर लेंगे, उसके बाद एक साफ़ कपड़ा को हल्का सा गीला करके और हम अच्छे से इससे वाइप कर देंगे। ये टिप बहुत ही मज़ेदार है, आप इसे ज़रूर अपनाइएगा। टिप नंबर सिक्स ये है कि अक्सर हमें कभी कभी ना जल्दीबाजी में फ्रिज से आटा निकालते हैं हम, बट वो बहुत ही चिल्ड रहता है। तो इस तरीके से आप तवे पे 30 सेकंड के लिए आटे को रख दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। आई होप कि आपको सारे टिप्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।